वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गोजरा में मुखालिफीन पर खूब गरजे और बरसे। कहा, एक दूसरे की टांगे खींचना या अजीब गरीब दास्तानें सुनाना पाकिस्तान की खिदमत नहीं। ये टांगे, ये हमारी टांगे नहीं, ये मुल्क की टांगे खींचने वाली बात है, ये कौम की टांगे खींचने वाली बात है। सबको इस एजेंडे पे इकट्ठा होना चाहिए कि पाकिस्तान को हम सब मिलकर पहले मुश्किल से बाहर निकालें, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ चलना शुरू हो जाए, फिर देखा जाएगा सियासत को। ये पहला मौका नहीं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आड़े हाथों लिया हो। कंटेनर पे चढ़ने वाले लोगों को समझ नहीं आती बात, ये वहां पे बैठ के बिजली के बिलों को जलाना कि जनाब हम बिजली लेके आएंगे, बिजली के बिलों को जलाने से बिजली नहीं आती। खेल कूद से निकले, बाहर आ जाए, अब छोड़े गालियां शालियां ना निकाले। सड़कों के अंदर जिस तरह की जो है वो जुबान बोली जाती है, मैं समझता हूँ कोई गैरबंद पाकिस्तानी इस जुबान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस सूबे में उनको मैंडेट मिला हुआ है, उस सूबे के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ पे वहाँ क्या किया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में एक बार फिर 2018 तक बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे की नवीद भी सुनाई।